अरे वाह, देखो दोस्तों मेरा महल कितना सुंदर बना है। नंदी जी, महल तो मेरा सुंदर बना है। सही कहा अगम, सबसे सुंदर तो हमारा महल है। महल उसका सुंदर है जिसके पास मुकुट है। हाँ, ये तो कोई मुकुट है। कौन हो तुम? इस प्यारी सी चीज को भूत राजा कहते हैं। चलो अब जल्दी से राजा के स्थान की साफ सफाई करो, वरना वरना क्या? वरना तुम्हारे दोस्त की गर्दन धड़ से अलग होगी। हाँ, हम सफाई करते हैं, अभी करते हैं। भूत राजा के राज में आराम केवल भूत राजा ही कर सकते हैं। मेरे सोने का समय हो गया है, अब तुम्हें मेरे पैर दबाने हैं। अगर फिर से ना कहा तो तुम्हारे दोस्त की गर्दन अलग समझो। ये तुम किसके पैर दबा रहे हो? प्रभु प्रभु धीरे बोलिए, इसने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ये कौन है? ये भूत राजा है प्रभु, पर अपना ब्रिंगी भी यही है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? वो मुकुट उतार कर इसे वापस ब्रिंगी बना देते हैं। ये मुमकिन नहीं है बालक। मेरी मर्जी के बिना ये मुकुट उतारा तो तुम्हारे मित्र के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे तुम? मारूंगा। बस कीजिए प्रभु, मैं आपके मित्र को छोड़ता हूँ। प्रभु, आज पहली बार किसी ने मुझे मात दी है, आप कौन हैं? मैं गौरी महादेव पुत्र बाल गणेश भूत राजा। देवों के देव महादेव के पुत्र के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। प्रणाम प्रभु।
मेरा पूरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है? और वो मेरा मुकुट कहाँ गया? किसने लिया मेरा मुकुट? मुझे वापस दो। सोच लो ब्रिंगी, यदि मुकुट वापस आएगा तो तुम्हारे शरीर का दर्द बढ़ जाएगा। आ, मर गया रे। Ha 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 ha!